अस्सलाम वालेकुम, मैं बना रही हूँ दूधी की सब्ज़ी। मैंने उसके छिलके को उतार लिया है, ये सी पतली सी दूधी है, उसमें बीज भी बहुत कम है, तो मैं डायरेक्ट उसको छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी। अगर हमारे पास बीज होते तो उसको भी हम रिमूव कर देते, मगर इसमें बीज नहीं थी। अब मैं एक पैन में डालूँगी सरसों का तेल, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। सरसों का तेल मैं गर्म होने दूँगी, इसमें डालूँगी ज़ीरा, राई, कड़ी पत्ता और एक कटा हुआ प्याज। अब मैं तेल जब मेरा गरम हो जाएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी वही इंग्रेडिएंट, प्याज, ज़ीरा, राई और कड़ी पत्ता, और मैं उसको अच्छी तरीके से चला के सॉफ़्ट होने दूँगी। जब ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएगा, देखिए मुझे एकदम कलर चेंज नहीं करना है, थोड़ा सॉफ़्ट करने के बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी, ताकि वो प्याज के साथ अदरक लहसुन की भी खुशबू ख़त्म हो जाए, वो भी भुन जाए। अब मैं दूँगी, मैंने इसमें डाले हल्दी और टमाटर और कटी हुई मिर्ची, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ेंगे, ये बस थोड़ा सा भुन जाए तो मैं इसमें डाल दूँगी दूधी कट करी हुई, और मैं इसको चला के 5-10 मिनट के लिए स्लो पे छोड़ दूँगी, ताकि ये थोड़ा नरम हो जाए, और नमक डाल दूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर मैं इसको चला के देखूँगी। अभी मैंने 2 आलू लिए, आलू ऑप्शनल है, अगर जिसको पसंद है वो डाले, जिसको नहीं पसंद है तो दूधी की सब्ज़ी ऐसी भी रेडी हो जाती है। अब मैंने आलू डाल के फिर इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख दी, ताकि इसके आलू भी अच्छी तरह से गल जाए। दूधी मैंने बहुत छोटी छोटी कट की थी, मगर आलू से थोड़ा बड़ा कट करना है, नहीं तो आलू इसमें गल के पूरा मैश हो जाएगा। अब ये देखो आलू तो मेरे गल चुके हैं, फिर मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, इसमें कोई पानी ना रहे। और ये मेरे पास मैगी मसाला है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालें वरना ना डालें, और अगर आपको डालना है तो फिर आप नमक की क्वांटिटी कम रखें, जिससे उसमें भी हल्का सा नमक होता है। अब देखो ये मेरी सब्ज़ी